इस मुश्किल घड़ी में तुमने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया। पता नहीं तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। बहन माना है ना तो बहन समझ भी लो। अपने सारे दुख सारी परेशानियां मुझसे शेयर कर लिया करो, पर आया मत समझो मुझे। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम ये बताओ तुमने अपने फ्यूचर का क्या सोचा? मुझे अपने हाल का नहीं पता, फ्यूचर का क्या बताऊंगी। कल तुम किसी से बात कर रही थी ना बच्चों की कस्टडी के सिलसिले में? हाँ सोचा तो था कि अपने बच्चे वापस ले लेती। मगर कोई दोस्त कोई रिश्तेदार कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है। अच्छे वक्त में तो सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। अब बुरे हालात में सबने मुंह फेर लिया, यहां तक कि मेरे सगे भाई ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। समझ नहीं आता क्या करूं कहां जाऊं। हाँ बात तो तुम वैसे सही कह रही हो, मुश्किल वक्त में तो सब साथ छोड़ जाते हैं। तुमने खुद किसी वकील से सिलसिले में बात की? नहीं अभी बात नहीं की, लेकिन जल्दी कर लूंगी। सगी माँ के होते हुए बच्चे सौतेली माँ के रहमो करम पर रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत जल्द मैं अपने बच्चे वापस ले लूंगी। केस लड़ने के लिए तो बहुत तगड़ी रकम चाहिए होगी, पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ पैसे हैं मेरे पास। मेरे शौहर ने मुझे हक मेहर दिया था, कैश और सेवरात है मेरे पास। भाई मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे अंदाजा हो सके कि तुम लड़ भी सकोगी कि नहीं, वरना थोड़ी रकम तो मैं भी अरेंज करके दे सकती हूँ। नहीं नहीं आपकी इतनी मदद ही काफी है, ये बहुत है मेरे लिए। जब अपना समझती हो तो गैरों जैसी बातें क्यों करती हो? बताओ मुझे कितनी रकम चाहिए, मैं कल ही अरेंज कर देती हूँ। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे बहुत है मेरे पास। वो मेरे शौहर ने मुझे ये फ्लैट और 2 करोड़ का हक मेहर वो दे दिया था। और फिर मेरी मरहूमा माँ ने भी मेरे जेवरात वो सब दे दिए थे मुझे। इसलिए पैसों की कमी नहीं है मुझे, बस कोई मदद करने वाला चाहिए। अरे ऐसा क्यों सोचती हो तुम, मैं हूं ना और हमेशा रहूंगी। बहन कहा है ना तो बहन बन के दिखाऊंगी। सो मच, इस मुश्किल घड़ी में आप जैसे मुखलिस दोस्त ना होते तो जाने क्या करती मैं। और आज के बाद ऐसे उदास ना देखूं मैं तुम्हें। चलो नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छाई और बुराई का सबक मैंने भी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा था। काश तुमने वापसी का कोई रास्ता छोड़ा होता। चाहती हूँ मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे बच्चों के लिए
नहीं मां तो तुम ब्याह कर ले आई। लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? अपने शोहर से बात की थी मैंने तुम्हारे केस के बारे में। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ वकील दोस्त हैं तो सही उनके, मगर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा केस बहुत नाजुक है, तुम केस हार जाओगी। और जो रही सही रकम है ना, वो भी गवा दोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बच्चे मेरे हैं। दुनिया का कोई भी कानून एक माँ को उनके बच्चों से दूर नहीं कर सकता। अगर तुम माँ हो तो वो बाप है उनका। उसकी बहन के मर्डर के इल्जाम में जेल रह चुकी हूँ। उनके पास पक्के सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। अदालत कभी भी एक कातिल और भी भरोसा करके बच्चे उनके हवाले नहीं करेगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई तो थी कि क्या हुआ था। तुम फिर भी कह रही हो कि बच्चे नहीं मिल सकते मुझे मेरे? अरे मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाएं बच्चे और उनका बाप। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अदालतों में जाके धक्के खाने की। हाथ कुछ नहीं आना तुम्हारे, रकम भी वकील की फीसों में उड़ा दोगी। इन पैसों का ही तो आसरा है तुम्हें, वो भी चले गए ना, सड़क पे आ जाओगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? भाई मैं तो कहती हूँ तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। शादी फिर से? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जब तुम्हारा साहब का शौहर दूसरी शादी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या औरत को तलाक के बाद दूसरी शादी का हक नहीं होता? हक तो है, मगर मुझसे शादी करेगा कौन? आजकल कुमारी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। फिर मैं तो क्यों, क्या कमी है तुम में? खूबसूरत हो, जवान हो, जरूर मिलेगा। और तलाक याफ्ता भी। तो क्या हुआ, अभी पिछले दिनों मैंने अपनी बेवा नंद की शादी करवाई है दूसरी। बेवा लड़कियों के रिश्ते हो जाते हैं। बेवा लड़कियों से तो लोग ये सोचकर शादी कर लेते हैं कि सवाब का काम है। लेकिन तलाक याफ्ता से शादी करते हुए 100 सवालात करते हैं। कीड़े निकालते हैं कि लड़की ने कुछ गलत किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जिससे तलाक हो गई। उसके गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सवालात करते हैं। फिर मेरे तो ना कोई आगे और ना पीछे। रिश्ता ढूंढेगा कौन? लड़के वालों से मिलने कौन जाएगा मेरी तरफ से? अरे मैं हूं ना, बहन कहा है ना, तो बहन बन के दिखाऊंगी। तुम कहीं बात चलाकर तो देखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मैं रिश्ता कैसे ढूंढूंगी, वो भी अपने लिए खुद? अरे बहुत तरीके हैं, अखबार में जरूरत रिश्ता का इश्तेहार आता है, वो देख लो। नहीं
नहीं तो यहाँ पास में ही शादी का दफ्तर है, मैं वहाँ ले चलती हूँ तुम्हें, कोई ना कोई तुम्हारे जोड़ का मिल ही जाएगा। बताओ तुम लोगों ने इसके बारे में सोचा क्या है? क्या चाहते हो? सारी जिंदगी यहीं बैठे रहेगी तो बंदोबस्त करो, शादी करो, इसके घर चलता करो इसको। बातें तो बिल्कुल ठीक करी है अम्मा, कब तक ये इस घर में पड़ी रहेगी? इस तरह की आफ्ता या बड़ी उम्र के आदमी से इसकी शादी कर देते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों, गलत क्या कह दिया मैंने? तेरी इस बेवा साली के लिए तुझे क्या लगता है कोई कुमार और कोई अमीर शहजादा है वैसे ब्याने के लिए? किरण प्लीज बस कर दो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, खुश हो ना अपने नए घर में? यकीनन खुश होगी, इसीलिए वहां जाते ही नए घर में अपने अब्बा को भूल गए हैं। तुम्हें 2-3 दिन हो गए घर से रुखसत हुए और तुमने एक फोन तक नहीं किया, मिलना तो दूर की बात। अबू वो I'm sorry, मैं बिजी थी ना इसलिए। आप ये बताएं आप कैसे, अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम रो रही हो? मुझे क्या होगा अबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो उदास हो गए होंगे ना मेरे बगैर। उदास तो हूँ बेटा, लेकिन खुश भी बहुत हूँ। खुश इस बात के लिए हूँ कि मेरी साबिर शाकिर बेटी एक अच्छे घर में ब्याह कर चली गई है। अल्लाह ताला तुमको खुश रखे बेटा। और सुनाओ जरबाब मियां कैसे हैं? किसी दिन ले गया हो ना बच्चों के साथ जरबाब मियां को, तो मैं तुम्हारी आपा को बोलकर दावत का इंतजाम करवाता हूँ। दावत की क्या जरूरत है अब्बू, मैं वैसे ही आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। अब्बू आप किन तकल्लुफात में पड़ रहे हैं? वैसे फैक्ट्री के कामों में जरबाब भी इतना बिजी रहते हैं और घर भी लेट आते हैं,
और बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल। बेटा बच्चों के एग्जाम की बात ले आना और जलवाब को जरूर साथ लेके आना, क्योंकि तुम्हारी बहनें और बहनोई उससे मिलना चाहते हैं। मैं फोन करता हूँ वजाज साहब को। बेटा ये दावत पे आ जाए, तुम अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे उदास क्यों लगी है, उसकी आवाज ऐसे क्यों हो रही थी? All good? अब्बू की कॉल थी, कह रहे थे कि सुना मैंने, अच्छा लगा मुझे, मेरे पूछे बिना ही आपने इनकार कर दिया। अब्बू कह रहे थे कि आपका आना बहुत जरूरी है, अगर आप मना कर दे। कहीं कहीं बाहर हूं, आउट ऑफ स्टेशन, यू नो समथिंग। सिर्फ एक बार चल रहे हैं। इस बार जाना बहुत जरूरी है, मैं आइंदा कभी आपको इसरार नहीं करूंगी। प्लीज ओके, एक बार और आखिरी बार, बार बार नहीं प्लीज। बिल्कुल नहीं। बस अब नौकरी वोकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए बड़ी मालदार आसामी ढूंढी है मैंने, नस्लें ऐश करेंगी तुम्हारी। तलाक याफ्ता है और तन्हा भी, आगे पीछे भी कोई नहीं है इसका। शोहर ने तलाक देकर बच्चे अपने पास रख लिए, हक महर में पूरे 2 करोड़ और बहुत सारा जेवर दिया इसे। हाँ हाँ बिल्कुल अकेली है, एक माँ थी वो भी चल बसी, अब तो इस पूरी दुनिया में सिवाय मेरे कोई नहीं है इस बेचारी का। ने सारे दुख सारे राज सिर्फ मुझे बताती है। बस अब तुम पहली फुर्सत में अम्मा को लेकर कराची आ जाओ, इससे पहले कि कोई और इसकी दौलत से फायदा उठाए तुम जल्द से जल्द कराची पहुंचो। मेरे शौहर ने मुझे हक मेहर दिया था, कैश और सेवरात है मेरे पास। भाई मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे अंदाजा हो सके कि तुम लड़ भी सकोगी कि नहीं, वरना थोड़ी रकम तो मैं भी अरेंज करके दे सकती हूँ। नहीं नहीं आपकी इतनी मदद ही काफी है, ये बहुत है मेरे लिए। जब अपना समझती हो तो गैरों जैसी बातें क्यों करती हो? बताओ मुझे कितनी रकम चाहिए, मैं कल ही अरेंज कर देती हूँ। नहीं पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे बहुत है मेरे पास। वो मेरे शौहर ने मुझे ये फ्लैट और 2 करोड़ का हक मेहर वो दे दिया था। और फिर मेरी मरहूमा माँ ने भी मेरे जेवरात वो सब दे दिए थे मुझे। इसलिए पैसों की कमी नहीं है मुझे, बस
कोई मदद करने वाला चाहिए। आप दोनों सोए नहीं अभी तक? दूध पी लिया आप दोनों ने? अच्छा चले, अब बहुत देर हो गई है, आप लोग सो जाइए। हमें जब नींद आएगी हम सो जाएंगे, आपको हमें इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके पापा ने कहा है कि जब तक मैं आप लोगों को सुला ना दूं आपके रूम से ना जाऊं। इसलिए मैं यहीं अब आपके रूम में रहूंगी। What? बाबा ने ऐसा कहा है? जी, आप चाहे तो उनसे जाके पूछ लें। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो बाबा ने आप हमें सुलाने के लिए भेजा है। लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, तभी आप बार बार आके हमारे कमरे में हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। खड़ी क्या देख रही है, जाए यहाँ से। सुनाने वाली देखना भी कितनी डांट पड़ेगी इसे बाबा से। बाबा इसको डांटते भी हैं, हमारी मामा को तो बिल्कुल नहीं डांटते थे। वो ना प्यार जो करते थे। तो क्या इनसे प्यार नहीं करते? ये हमारी मामा की तरह खूबसूरत नहीं है। बात तो है, हमारी मामा की तरह कोई भी प्रीति नहीं है। और तुम्हें याद है जब मामा हमारे साथ स्कूल आई थी तो सारी टीचर उनकी ब्यूटी की कितनी तारीफ कर रही थी। मुझे याद है, और बाबा ने कहा था हमारी न्यू मॉम हमारी टीचर से मिलने जाएंगी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। भाई मुझे मामा की बहुत याद आ रही है, तुम पता करो ना कि वो कहाँ रहती हैं, मुझे उनसे मिलना है। मैं कहाँ से पता करूँ, किससे पूछूँ, इस घर में तो उनका कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। अच्छा तुम परेशान मत हो, मामा जा भी होगी ठीक होगी, और मैं उन्हें बहुत जल्द घर पर वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। थैंक यू आद। अच्छा परेशान मत हो, सो जाओ। बच्चे सो गए? जी नहीं, वो अभी। यानी आप उनको सुलाए बगैर ही वापस आ गई? मैं गई थी उनको सुलाने, मगर वो गेम्स खेल रहे हैं। हाँ
मैंने काफी कोशिश की उनको सुलाने की, मगर आपको तो पता है वो मेरी बात ही नहीं मानते। अगर वो आपकी बात नहीं मानते इसमें उनका कसूर नहीं है, आप में ही कुछ कमी है। चलिए मैं लफ्ज बदल देता हूं, आपकी नाअहली है। या फिर ऐन मुमकिन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से खुद भाग रही हैं। उजाला ने बताया था कि आप किसी मॉन्टेसरी में बच्चों को हैंडल करती हैं। तो मुझे ये गलत फहमी थी कि आप शायद इस सारे मामले को बड़े अच्छे से संभाल लेंगे। इसी वजह से मेरे वालिदैन ने आपको चुना मेरे लिए। सच कहूं तो बहुत डिसअपॉइंट किया आपने। देखिए सरबाब, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कितना कोई एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लेते। खैर मुझे ये गलत फहमी थी कि जब आप तशरीफ ले आएंगी तो मैं गवर्नेंस की छुट्टी कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई परमानेंट गवर्नेंस रखनी पड़ेगी। को भी खुद ही देख लेता हूं मैं। आप आराम कीजिए, थक गई होंगी आप। अंकल मैं समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया। वो लोग बहुत लालची थे। साइशा बहुत अच्छी है, ऐसे लालची खानदान को डिजर्व ही नहीं करती थी। आप मेरा यकीन रखें, इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा खानदान मिल जाएगा। बल्कि मैं और उजाला हैं, हम इनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे।
बेटा आजकल तो अच्छे लोगों का काल पड़ गया है। पहली दो बेटियों को लालची लोगों में ब्याह चुका हूँ। आयशा के मामले में तो मैंने बहुत देखभाल के इंतखाब किया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन लोगों ने भी अपनी असलियत दिखा दी। आयशा, आप प्लीज मत रोए, आप तो इतनी बहादुर हैं, मैं तो पूरे स्कूल में आपकी मिसालें देती हूँ। मेरा यकीन करें, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, वो लोग आपके काबिल ही नहीं थे। अच्छा तो हो गया बेटा, लेकिन माशा ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। आप माशरे की लोगों की क्यों परवाह कर रहे हैं? जब आयशा का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो जाएगा तो इन सबकी जुबानें भी बंद हो जाएंगी। इन हालात में हमें अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा बेटा? मेरी नजर में एक रिश्ता है। बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक है उनका। बेटा वजाहत साहब की फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी, पर आज तो दरबार में ऐसे भी मुलाकात हो गई। बहुत अच्छे पढ़े लिखे नफीस इंसान है, मुझे बहुत पसंद आए बेटा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब्बू, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने रिश्ता पक्का करने में बहुत जल्दबाजी की है? आपको कुछ टाइम लेना चाहिए था उन लोगों से सोचने के लिए। क्यों बेटा? अच्छे रिश्तों का आना और उन्हें बिला वजह इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। पर आजमाइश की इस घड़ी में अच्छे रिश्ता आना एक नेमत से कम नहीं है। क्या जलबाब की पिछली शादी उसके दो बच्चों की वजह से तुम्हें इतराज है? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पिछले तजुर्बे की वजह से दिल कुछ डरा हुआ है। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है, लेकिन जगह ले नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं, कि हर चीज का ध्यान रखूं, मगर कोशिश नहीं करनी। आयशा, हाँ आयशा, हाँ कोशिश नहीं करनी आयशा, आपको उनका दिल जीतना ही है हर हाल में। दूसरा कोई चारा नहीं। बच्चों के हवाले से कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे सुजाला ने आपको बताया ही होगा, मेरी दूसरी शादी की वजह सिर्फ मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी मां लाना है इस घर। आयशा, आप क्या लेंगे? अम्मी ने इतना इस्तेमाल किया आपके लिए। जी, इतना इस्तेमाल करने की जरूरत क्या? मेहमान नहीं है वो इस घर में, इस घर की फर्द है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज आयशा का इस घर में पहला दिन है,
अच्छी बात है ना कि पहले दिन ही उनको सारे सबक पढ़ा दिए जाएं, उनको ये बता दिया जाए कि इस घर में इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए लाया गया है। मैं चाहता हूं कि बच्चों का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये अपने हाथों से बनाए। तालीम में अगर कोई कोताही हुई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें सारी कहानी बताई तो थी कि क्या हुआ था, तुम फिर भी कह रही हो कि बच्चे नहीं मिल सकते मुझे मेरे। अरे मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाएं बच्चे और उनका बाप। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अदालतों में जाके धक्के खाने की। हाथ कुछ नहीं आना तुम्हारे, रकम भी वकील की फीसों में उड़ा दोगी। इन पैसों का ही तो आसरा है तुम्हें, वो भी चले गए ना सड़क पे आ जाओगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं। भाई मैं तो कहती हूं तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। शादी फिर से? तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, जब तुम्हारा सबका शौहर दूसरी शादी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।